टिकट मिलने से पहले ही भरतपुर के कामा में जाहिदा खान का विरोध हो रहा है। लोग चाहते हैं कि जाहिदा खान को टिकट ना देकर किसी और व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट दिया जाए। जब जाहिदा खान कांग्रेस की मीटिंग में दिल्ली पहुंची तो लोगों ने दिल्ली में भी जाहिदा खान का विरोध किया था। मंगलवार को भी गोपालगढ़ थाना इलाके में अंधवाड़ी गाँव में जाहिदा खान का युवाओं ने पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जाहिदा खान जब जब कामा से विधायक रही उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। जाहिदा खान पति जलीस खान 2011 में कामा से प्रधान रह चुके हैं। उनकी लड़की डॉक्टर शहनाज खान कामा पंचायत समिति की प्रधान हैं। उनके बेटे साजिद पहाड़ी से प्रधान हैं। जाहिदा खान के पिता तैयब हुसैन 3 राज्यों में मंत्री रह चुके थे। जाहिदा खान 2008 में कांग्रेस पार्टी से विधायक रही। 2013 में नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह ने बीजेपी से जाहिदा को हराया था। 2008 में फिर से जाहिदा खान जीती और कांग्रेस सरकार में मंत्री बनी। जाहिदा खान 2008 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई। जाहिदा खान से पहले जाहिदा खान के पिता तैयब हुसैन का कामा से चुनाव लड़ते थे। तैयब हुसैन 1993, 1998 और 2003 में कामा से विधायक रहे। पिता की मौत के बाद जाहिदा खान कांग्रेस में शामिल हुई और विधायक बनी।